दोस्तों, अगर आप फूड या फिर बेकरी से जुड़ी हुई कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुकीज बिजनेस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाली हूं और इसी से रिलेटेड एक सक्सेसफुल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे एक लंदन से पढ़ी हुई लेडी ने कुकीज का बिजनेस शुरू किया और अब हर महीने 1,00,000 रुपए कमा रही हैं। उनके स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के यूनिक बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लंदन से पढ़ी हुई रुक्मिणी ने अपने बच्चों के लिए हेल्दी कुकीज तैयार किया और बाद में उसी को बिजनेस में बदला। अब हर महीने 1,00,000 रुपए कमा रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हेल्दी फूड्स अरेंज करना एक मुश्किल टास्क होता है, खासकर तब जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हो यानी जॉब में हो। ऐसे कपल को बच्चों के लिए हेल्दी फूड तैयार करने का वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है, साथ ही मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर हमेशा इशू बना रहता है। इन्हीं चुनौतियों को लेकर मुंबई में रहने वाली रुक्मिणी बनर्जी ने 2 साल पहले हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड का स्टार्टअप शुरू किया। अभी हर महीने वे 1 से 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कर रही हैं। इवन शिल्पा शेट्टी, नेहा धूपिया सहित कई सेलिब्रिटी उनकी तारीफ भी कर चुकी हैं। 37 साल की रुक्मिणी कोलकाता में पली बढ़ी, 12वीं के बाद पुणे आ गईं। यहां से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया, इसके बाद वे वापस कोलकाता लौट गईं। वहां करीब 1 साल तक उन्होंने एक कंपनी में काम किया, फिर 2008 में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। 2009 में वापस इंडिया लौटने के बाद उन्होंने अलग अलग कंपनियों में करीब 10 साल तक बतौर कॉरपोरेट लॉयर काम किया। अच्छी सैलरी थी और काम भी बढ़िया था। इसी बीच 2017 में उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ हेल्दी फूड्स खुद से बनाना शुरू किया। वे रेगुलर स्टडी करती रहीं और फिर उसके हिसाब से रेसिपीज तैयार करती थीं। लीव खत्म हो जाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे वापस जॉब पर नहीं जाएंगी, क्योंकि घर में अकेले होने की वजह से बच्चे की देख रेख और नौकरी दोनों को मैनेज करना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद रुक्मिणी को लगा कि जो हेल्दी फूड्स मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसकी जरूरत मेरी तरह कई दूसरी माओं को भी होगी। उनके कई परिचित भी उन्हें ऐसा सुझाव दे रहे थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि क्यों ना इस काम को प्रोफेशनल की तरह किया जाए। फिर उन्होंने पुणे में कुकीज बनाने की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद 2019 में घर में ही उन्होंने हेल्दी स्नैक्स और छोटे मोटे मील तैयार करके ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स उन्होंने जोमेटो पर भी बेचे, लेकिन उन्हें वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसे कि उम्मीद थी। रुक्मिणी बताती हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ लोग बच्चों को घर का बनाया हुआ फूड ही देते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसलिए इस बिजनेस में बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा था। इसके बाद 2019 में उन्होंने जूहू में एक एग्जीबिशन में भाग लिया। यहां उनकी मुलाकात एक पीआर कंसल्टेंट से हुई। उसने रुक्मिणी को बूट कैंप में पार्टिसिपेट करने का सुझाव दिया। कुछ दिनों बाद वे बूट कैंप गईं, वहां उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और उन्हें ब्रांडिंग से लेकर पैकेजिंग तक की जानकारी मिली। फरवरी 2020 में रुक्मिणी ने किराए पर एक ऑफिस लिया और एक प्रोफेशनल शेफ और फूड कंसल्टेंट को हायर किया। अभी उनका काम जमा भी नहीं था कि कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन लग गया, दुकानों के शटर गिर गए। मुंबई में तो पाबंदियां और भी सख्त थी, किचन के प्रोडक्ट भी मुश्किल से मिल रहे थे, इसलिए रुक्मिणी ने कुछ वक्त के लिए अपने काम को होल्ड करने का फैसला किया। वे कहती हैं कि कई लोगों ने कोरोना पीरियड में ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। मैं भी काम जारी रख सकती थी, लेकिन जब दिक्कतें होने लगी तो मैंने तय किया कि इस टाइम पीरियड को हमें रिसर्च में इस्तेमाल करना चाहिए। हमने हर पॉसिबिलिटीज को लेकर सोचना शुरू किया, कई तरह के न्यूट्रिशनल बार और कुकीज के बारे में स्टडी की, अपने ब्रांड को रिडिजाइन किया, खुद की वेबसाइट डेवलप की, अमेजोन और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया। इसमें करीब 2,00,000 रुपए खर्च हुए। इसके बाद 2020 में द ग्रोइंग जिराफ नाम से हमने मार्केट में नए सिरे से कदम रखा और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, साथ ही कई सेलिब्रिटीज को भी गिफ्ट किए। उसके बाद उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसका भी हमें काफी बेनिफिट मिला। अभी वो 4 तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही हैं, जिसमें आलमंड बार, पीनट बटर बार, हनी एंड ओट कुकीज और रागी कुकी शामिल है। महज 4-5 महीनों में ही उनका बिजनेस जम गया है। हर महीने 400 से 500 तक ऑर्डर्स उनके पास आ रहे हैं। अभी वे मुंबई के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रही। 7 से 8 लोग उनकी इस टीम में काम कर रहे हैं।
उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टाई अप किया है जो उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करने और उसकी पैकेजिंग का काम करती है, जबकि रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स रुक्मिणी खुद तैयार करती हैं। पिछले 4-5 महीने में उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है। रुक्मिणी कहती हैं कि अभी जो बच्चे या बुजुर्ग बिस्किट खाते हैं उसमें मैदा, शक्कर सहित कई ऐसी चीजें होती है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें इन चीजों को हेल्दी और ऐसी चीजों से रिप्लेस किया है जो कि ना तो नुकसान पहुंचाती हो। हम शक्कर की जगह गुड़ का यूज करते हैं और इसी तरह मैदे की जगह रागी और वाइल या फिर डालडे की जगह बटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि रुक्मिणी की सफलता की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी कुकीज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेकर के शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे जल्द मिलते हैं एक और यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।